आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस एओटा वाई, और सर्टन बुक्स में ए प्लस एओटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। और एओटा क्या होता है? एओटा जो नंबर है इसकी वैल्यू रूट माइनस वन होती है, एओटा स्केयर माइनस वन के इक्वल, एओटा के माइनस एओटा के इक्वल, और एओटा फोर वन के इक्वल, और एओटा रेस टू पावर एन माइनस वन वन एओटा और माइनस एओटा, यही चार वैल्यूज आती हैं हमारे पास। सो फिर से यहाँ पे आते हैं, कोई भी नंबर जो हमारे पास एक्स जिसके साथ एओटा अटैच हो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई, और ये जो x है ये हमारे पास रियल पार्ट है, आयोटा जिसके साथ अटैच हो गया वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक ये रिजल्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहती है। दो फिनोमेने हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में करने हैं, एक तो है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है? मान लीजिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार हमारे पास क्या रहता है? एक्स माइनस आयोटा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी। सो इसकी रहती है कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से करें तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई जेड के इक्वल आ जाता है। Z बार कॉन्जुगेट को बार के साथ डिनोट करते हैं, ये भी याद रखें। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इट्सेल्फ ए नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इट्सेल्फ ए नंबर। सेकेंड है Z इज इक्वल टू Z बार के इक्वल होता है इफ एंड ऑनली इफ जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये है, इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं हम कि जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, और अगर दोनों इक्वल है तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। x के साथ x कट गया, 2 आयोटा y इज इक्वल टू जीरो। सो आ गया हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आयोटा y इज इक्वल टू जीरो या y इज इक्वल टू जीरो। सो ये क्या होगा? z इज प्योरली, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो z हमारे पास क्या आएगा? प्योरली रियल, z क्या आएगा? प्योरली रियल, ठीक है जी। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z z बार के इक्वल है तो z की वैल्यू प्योरली रियल कैसे आती है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ठीक है जी। और भी रिजल्ट हैं, और भी रिजल्ट लिख लेते हैं, और भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो साथ में लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लिए अच्छे तरह से इसको। थर्ड है कि z इज इक्वल टू माइनस z बार इफ एंड ऑनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होता है। नंबर फोर क्या है? जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड बार टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड बार नंबर फिफ्थ है, जेड वन प्लस जेड टू होल बार, ये जेड वन बार प्लस जेड टू बार, और सिक्स है हमारे पास, ये प्लस माइनस में सेम ही रहती है,
ठीक है जी, प्रोडक्ट में देखें जेड वन जेड टू होल बार इजिकल टू जेड वन बार जेड टू बार, ठीक है जी। और सेवेंथ है हमारे पास जेड वन अपॉन जेड टू होल बार, ये किसके इक्वल होता है, जेड वन बार जेड टू होल बार, फिर जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। सो इसके बाद हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमने मॉडुलस किस तरह से फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये देखिए बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज़ के इन फॉर्मूलों के बेस्ड होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। बेसिक जितना स्ट्रांग होएगा उतना एमसीक्यूज़ अच्छा रहता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या होते हैं, देखिए जेड इजिकल टू मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड जेड हमारे पास क्या आएगा, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसकी भी प्रॉपर्टीज रहती है कि अगर मॉड जेड हमारे पास जीरो के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, ये ए और बी जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड बार के इक्वल, नंबर थर्ड है जेड जेड बार, जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिस वन, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है जी। नंबर जो फोर है वो है जेड वन जेड टू मॉड, जेड वन मॉड जेड टू मॉड, और डिवीज़न में भी ये प्रोडक्ट में और डिवीज़न में भी सेम ही रहता है, जेड वन जेड टू होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार जेड वन मॉड अपॉन जेड टू मॉड, बार ही बोला जा रहा है, ठीक है जी। सो आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अभी देखते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट में हमारे पास क्या है, देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, सो सबसे पहले इसमें एंगल अल्फा निकालते हैं टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है दैट इज अल्फा, ठीक है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, ये मैंने इसकी लिख दी, कई बार क्वेश्चन यहीं से बन जाता। प्रॉपर्टीज़ है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू के इक्वल होता है, डिवीज़न में हो तो माइनस होता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है, आर्गुमेंट जेड रेज टू पावर एन एन टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये थे हमारे पास कुछ पॉपुलर प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट की, और इसके बाद हम करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या है, एक्स और वाई जो हमारे पास सिंपल है कॉम्प्लेक्स, ये आर और थीटा में चेंज हो जाती है जब हमारे पास ये जो फॉर्म है एक्स और वाई, ये जब हमारे पास आर और थीटा में चेंज हो गए तब हमारे पास क्या बन गई, ये पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म में एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, और जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा और आर ई रेस टू पार आयोटा थीटा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वन को हम लिखते हैं वन प्लस आयोटा जीरो कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, माइनस वन को हम लिखते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और आयोटा को हम लिखते हैं जीरो प्लस आयोटा कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू, और माइनस आयोटा को कॉस माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय टू लिखेंगे, ठीक है जी। फिर अभी हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा ही आ रहा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये है स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अनरूट ए प्लस यूटा बी या एक्स प्लस यूटा वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहता है दैट इज प्लस माइनस अनरूट अनरूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए अपॉन ए प्लस आयोटा अनरूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बाय टू, अगर प्लस का सिंबल हो तो। और अगर हो हमारे पास ए माइनस आयोटा भी तो प्लस माइनस, ये सारी चीज़ तो ऐसी रहती है, अनरूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बाय टू, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है, माइनस यूटा अनरूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बाय टू, ये अनरूट, ठीक है जी। इसको मॉड जेड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है जी, इसको हम मॉड जेड भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन से हमें इसका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम एक क्वेश्चन लिख लें फिर उसको अप्लाई करके देखें, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए हम 5 प्लस 12 वही होता हो, इसका अगर हमने स्क्वेयर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आई होता। सो भाई 5 प्लस 12 वही होता हो तो ये प्लस माइनस का सिंबल तो आ नहीं आना है, 5 प्लस 12 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर 25 144 169 30 169 अनरूट प्लस ए कितना है 5 और ये भी 5 प्लस आयोटा 169 माइनस 5 बाय 2, सॉरी यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 2 आना है, ठीक है दोनों ही केसेस में। सो प्लस माइनस 169 13 13 प्लस 5 18 13 प्लस 5 बाय 2 प्लस आयोटा 13 माइनस 5 बाय 2, ठीक है जी, प्लस माइनस 9 तो ये 3 आ गया प्लस आयोटा 13 माइनस 5 4 13 छुपा दिए 8 8 4 4 आ जाएगा, 4 का रूट 2, ये 3 प्लस 2 आयोटा इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। देखो 13 माइनस 4 8 होता है, 8 बाय 2 4 होगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया ना मैंने, ठीक है। सो ये था हमारे पास हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। सो कई बार ना सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, ये तो सिंगल सिंगल है हमारे पास, ठीक है, माइनस होगा तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। यही क्वेश्चन को अगर हम उठा लें इस तरह से, थोड़ी सी सिचुएशन हमने चेंज करनी है और देखो आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ए प्लस आयोटा बी प्लस अनरूट ए माइनस आयोटा बी हो, तब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे, हम क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ अनरूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो एक एग्जांपल लेके, यही वाली एग्जांपल उठा लेते हैं, 5 प्लस 12 वही होता प्लस अनरूट 5 माइनस 12 वही होता, ए ये है बी 12 है, 2 इंटू ए, माइंड ना पहले ही कैलकुलेशन करनी शुरू कर देता है, सो इसी वजह से आगे आगे सीधा आंसर ही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन एडवांस ही चलनी शुरू हो जाती है। सो ए स्केयर हमारे पास 25, बी स्केयर 144,
ठीक है जी, 169 13, ये 10, 2 इंटू 13 36, 6 आ गया, 36 है तो 6 आ गया। देखिए 2a प्लस, और अगर कहता बीच में नेगेटिव साइन आए तब क्या होगा, अंडर रूट a प्लस iota b माइनस अंडर रूट a माइनस iota b हो तब क्या आता है, तब iota आता है, साथ में आता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a। ठीक है जी, सो इसी को अप्लाई करके देख लेते हैं हम, 5 प्लस 12 iota माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12 iota, तो हमारे पास क्या रहता है, iota इंटू 2 इंटू 13 माइनस 10, ठीक है जी, 26 माइनस 10, सोलह, फोर आईओटा, आईओटा ठीक है जी, फोर आईओटा इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी।